स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का, और वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। याद रखें, अनुवंशिक अभियांत्रिकी, जिसको कि हम इंग्लिश के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, ये वास्तव में जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की ही एक शाखा है। मैं यूं कहूंगा कि बायोटेक्नोलॉजी की जो सबसे नवीनतम शाखा है उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। अब जैसे कि नाम शो कर रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में क्या होता है, किसी चीज का तोड़फोड़, किसी चीज को जोड़ना, तोड़ना, काटना, ये सब कुछ यहां पर आपको देखने को मिलेगा जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा। आनुवंशिक अभियांत्रिकी जैव प्रौद्योगिकी की एक नवीनतम शाखा है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी को जीन परिचालन या हेरफेर भी कहते हैं। मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम जीन मैनिपुलेशन है, यानी कि जीन के अंदर हेरफेर करना है। ओके, तो क्या कहा मैंने, आनुवंशिक अभियांत्रिकी को जीन परिचालन या हेरफेर भी कहते हैं। हेरफेर का मतलब होता है जीन मैनिपुलेशन, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम जीन हेरफेर या जीन मैनिपुलेशन है। क्यों कहते हैं ऐसा? जीन अभियांत्रिकी का मतलब जीनों के हेरफेर द्वारा किसी भी जीव की अनुवंशिकता में उपयोगी परिवर्तन करना है। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग को जीन हेरफेर कहा गया है ना, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब जीनों में हेरफेर द्वारा, मैनिपुलेशन के द्वारा किसी भी जीव की अनुवंशिकता में यदि हम कोई उपयोगी परिवर्तन कर रहे हैं तो ये किसके कारण संभव हो पाया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा संभव हो पाया है। ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम करते क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके हम किसी भी कोशिका के आनुवंशिक संगठन यानी कि जेनेटिक कंस्टिट्यूशन में किसी विजातीय डीएनए यानी कि बाहरी डीएनए या फॉरेन डीएनए का निवेश प्रायोगिक विधियों द्वारा करवाकर उसका हम क्या कर सकते हैं, कृत्रिम रूपांतरण, आर्टिफिशियल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये मूल चीज जो है वो आपको समझनी होगी। जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसी भी कोशिका के आनुवंशिक संगठन में किसी विजातीय डीएनए का प्रायोगिक विधियों द्वारा हम प्रवेश करवाकर और हम उसका आर्टिफिशियल मॉडिफिकेशन, कृत्रिम रूपांतरण कर सकते हैं, और यही जेनेटिक इंजीनियरिंग की खासियत है। ओके, अच्छा याद रखना, आगे बढ़ने के पहले ये बता दूं कि फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन है, यानी कि जीन अभियांत्रिकी का जनक कौन है। तो जीन अभियांत्रिकी का जो जनक है वो कौन है, पॉल बर्ग है। ओके, और याद रखो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की सबसे आधुनिक विधि जिसका कि हम प्रयोग करने वाले हैं पूरे चैप्टर के अंदर, उसे हम पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक कहते हैं। ओके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है, दो चीजों के संयोजन से बनने वाला एक नया डीएनए। ओके, तो क्या कहा मैंने, जेनेटिक इंजीनियरिंग की सबसे आधुनिकतम जो तकनीक है, विधि है, उसे हम पुनर्संयोजी या पुनर्योजी डीएनए तकनीक के नाम से जानते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। राइट, नेचुरली कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या बनाएंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने वाले हैं। ओके, यानी कि पुनर्योगज डीएनए बनाने वाले हैं, दो डीएनए के योग से बनने वाला नया जो परिवर्तित डीएनए होगा उसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए कहेंगे। ओके, तो हम इस तकनीक में क्या करते हैं, इस तकनीक में जीन के साथ हेरफेर करके, इस तकनीक में जीन के साथ हेरफेर करके, या यूं भी कह सकते हैं कि किन्हीं दो स्रोतों, सोर्स से लिए गए डीएनए को जोड़कर संरचना में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। मैं फिर से बता दूं, इस तकनीक में जीन के साथ हेरफेर करके, या हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो सोर्सेस से प्राप्त किए गए डीएनए को जोड़कर संरचना में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, यही पुनर्योगज डीएनए तकनीक है। थोड़ा सा और इलाबोरेट करके इसको पढ़ाते हैं। एक जीव के डीएनए के साथ, यहां पर क्या किया, एक जीव के डीएनए के साथ दूसरे जीव के डीएनए को जोड़कर, एक जीव से आपने डीएनए प्राप्त किया और दूसरे जीव से डीएनए प्राप्त किया, एक जीव के डीएनए के साथ दूसरे जीव के डीएनए को जोड़कर नया डीएनए प्राप्त करने की तकनीक को ही हम पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहते हैं, तथा
इस प्रकार से प्राप्त जो नया परिवर्तित डीएनए होगा, जो दो डीएनए के योग से बना है, उसे हम पुनः संयोजी या पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। शॉर्ट के अंदर उसे आर डीएनए कहते हैं, आर फॉर रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। ओके, नाउ जिसको कि हम पूरे के पूरे आगे आने वाले दिनों के अंदर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के ऊपर ही हमारा पूरा चैप्टर केंद्रित रहेगा, तो हम ढेर सारा पढ़ेंगे इसके बारे में। इस तकनीक में हम क्या करते हैं, वांछित डीएनए, वांछित डीएनए मतलब इस वांछित डीएनए के बहुत सारे नाम है, आप इसे फॉरेन डीएनए कह सकते हैं, इच्छित डीएनए कह सकते हैं, है ना, स्त्रोत्र डीएनए कह सकते हैं, लक्ष्य डीएनए कह सकते हैं, पैसेंजर डीएनए यानी कि यात्री डीएनए कह सकते हैं, कुछ भी। तो इस तकनीक में जो वांछित डीएनए है को विशिष्ट एंजाइमों की सहायता से वियोजित किया जाता है, वियोजित मतलब आइसोलेट किया जाता है। तो इस तकनीक में वांछित डीएनए को विशिष्ट एंजाइमों की सहायता से वियोजित करके, वियोजित मतलब आइसोलेट करके, उसे वाहक डीएनए के साथ जोड़कर, वाहक डीएनए के साथ जोड़कर एक नवीन गुणधर्म वाला डीएनए का निर्माण किया जाता है, और इस नवीन गुणधर्म वाले डीएनए को ही हम आर डीएनए कहते हैं। तो आपको समझ में आया क्या किया हमने, मैंने एक तो लिया वांछित डीएनए और दूसरा क्या लिया, वाहक डीएनए। ओके, तो वाहक डीएनए प्लस वांछित डीएनए इन दोनों को जोड़कर और एक नया डीएनए बनाया, उसे मैंने क्या कहा, आर डीएनए कहा। ओके, अच्छा ये जो वांछित डीएनए जो बना है ना, जो वांछित डीएनए आपने प्राप्त किया है, इसे वांछित डीएनए कहो, अंग्रेजी के अंदर डिजायर्ड डीएनए कहिए, राइट, इसे पैसेंजर डीएनए या यात्री डीएनए कहिए, इसे इच्छित डीएनए कहिए, लक्ष्य डीएनए कहिए, सोर्स डीएनए कहिए, एनीथिंग, सारे नाम एक ही के लिए। अब इसको मैंने किसके साथ में जोड़ा, वाहक के साथ में जोड़ा। वाहक को हम, वाहक डीएनए को वैक्टर डीएनए भी कहते हैं, है ना, क्यों इसे वैक्टर डीएनए क्यों कहते हैं, क्योंकि यही वाहक जो है वो अभी आप देखोगे कि यही वाहक डीएनए इस वांछित डीएनए को परपोषी कोशिका होस्ट सेल में लेकर जाता है, इसीलिए तो हम इसे क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज वेक्टर डीएनए कहते हैं। ओके, तो वेक्टर डीएनए यानी कि वाहक डीएनए प्लस वांछित डीएनए यानी कि डिजायर्ड डीएनए दोनों को जोड़ा और एक नया डीएनए बना, परिवर्तित डीएनए बना, उसको हमने क्या कहा, पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहा। ओके, आप यूं भी कह सकते हो कि जो वांछित डीएनए है वो तो है मेरी सवारी, और जो अपना वाहक डीएनए है, वेक्टर डीएनए, वो है गाड़ी। गाड़ी का काम क्या होता है, सवारी को कहां पर पहुंचाना, अपनी मंजिल पर पहुंचाना। वैसे ही हमारी गाड़ी यहां पर कौन है, वाहक है, ठीक है, सवारी कौन है, वांछित डीएनए। तो यहां पर अपना जो वाहक है वो उस वांछित डीएनए को उसकी मंजिल पर लेके जा रहा है, और मंजिल कहां पर, परपोषी कोशिका। ओके, तो इस प्रकार से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, ठीक है। अब ये जो पुनर्संयोजी डीएनए जो आपने बनाया वांछित डीएनए और वाहक डीएनए को छोड़कर, इसको किसमें प्रविष्ट करवाया जाता है, तो इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, प्रविष्ट करवाया जाता है विशिष्ट परपोषी कोशिका के अंदर, जिसको कि हम होस्ट सेल कहते हैं। आप आगे चलकर पढ़ोगे कि ये होस्ट सेल विशेष तौर से बैक्टीरियल सेल्स होती है, जैसे कि इकोलाई या यीस्ट आदि का उपयोग भी होस्ट सेल के अंदर करते हैं। तो हमने दो डीएनए को जोड़ा, फिर एक नया डीएनए परिवर्तित डीएनए बनाया, उसका नाम है आर डीएनए। उस आर डीएनए को लेकर एक उपयुक्त परपोषी कोशिका जो कि इकोलाई या यीस्ट हो सकती है, उसमें डाला, और डालकर वहां पर होस्ट सेल के अंदर वांछित डीएनए की खूब सारी मल्टीपल कॉपीज बनाने की कोशिश की। यानी कि होस्ट सेल में जाने के बाद में जो वांछित डीएनए है उसका क्लोनीकरण किया जाएगा। मतलब क्लोनीकरण का मतलब एक क्लोनिंग, मतलब जो वांछित डीएनए जो था, जब वेक्टर उसे होस्ट सेल में लेकर जाता है तो होस्ट सेल में जाकर वांछित डीएनए की खूब सारी मल्टीपल कॉपीज बनती है, राइट, इसीलिए तो इस प्रोसेस को क्लोनिंग कहते हैं, जीन क्लोनिंग कहते हैं या क्लोनीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। ओके, अब आते हैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के ऊपर, डालते हैं राइट एक नजर कि किस प्रकार से पुनर्संयोजी डीएनए बना। तो सबसे पहले इस पुनर्योगज डीएनए तकनीक, जो कि सबसे आधुनिकतम तकनीक है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, इस पुनर्योगज दो डीएनए को जोड़कर नया डीएनए, नया परिवर्तित डीएनए बनाने की खोज का जो श्रेय है वो दो वैज्ञानिकों को जाता है, एक तो स्टेनले कोहेन और दूसरा हर्बर्ट बॉयर को जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम 1972 में पुनर्योगज डीएनए तकनीक का प्रयोग करके
पुनर्योगज डीएनए निर्माण इन्होंने किया। ओके, कैसे? इन्होंने डीएनए को सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटकर, ये जो सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है इसके बारे में मैं ढेर सारा आगे पढ़ाने वाला हूं आपको मेरे वीडियोस के माध्यम से। तो सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो डीएनए को काटने वाला एंजाइम है। ये अपनी आणविक कैंची है, मॉलिक्यूलर सीजर है। ये वांछित डीएनए को भी काट सकता है और भाग डीएनए को भी काट सकता है। ओके, तो इन्होंने डीएनए को सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो कि कैंची की तरह वर्क करता है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काट कर, और डीएनए को इन्होंने क्या किया, डीएनए को सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काट कर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्राप्त की, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन प्राप्त की। क्लियर? क्या किया इन्होंने, डीएनए को काटा और उससे क्या किया, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन प्राप्त की, और इस प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम, ये एक बैक्टीरिया का नाम है, उस साल्मोनेला से प्राप्त प्लाज्मिड डीएनए, राइट, प्लाज्मिड डीएनए कैसे काम करेगा यहां पर, वाहक की तरह। तो मेरा वांछित डीएनए तो यहां पर कौन हो गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो डीएनए से प्राप्त किया, को साल्मोनेला टाइफेरम से प्राप्त प्लाज्मिड डीएनए के साथ डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से क्या कर दिया, जोड़ दिया। अच्छा, प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरियल सेल। ठीक है, ये क्या है, अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए है जिसे जीवाणु कोशिका से प्राप्त किया जाता है, और ये जो प्लाज्मिड होता है वो सर्वश्रेष्ठ वेक्टर यानी कि वाहक माना गया है। तो मेरा वाहक तो क्या हो गया यहां पर, ये प्लाज्मिड डीएनए जिसे मैंने साल्मोनेला बैक्टीरिया से प्राप्त किया, और ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था ये क्या हो गया, वांछित डीएनए। अब हमने क्या किया, इस वांछित डीएनए, राइट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को हमने जोड़ दिया किसके साथ में, प्लाज्मिड के साथ में, डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम तो क्या हो गया, जोड़ने वाला एंजाइम, और सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है ये क्या हो गया, काटने वाला क्या हो गया, एंजाइम हो गया। तो अब हमने क्या बनाया, एक नया डीएनए बनाया, और जो नया डीएनए बना है उस नए डीएनए को आर डीएनए कहते हैं। ठीक है, और आपको मालूम है अब इस आर डीएनए को हम किसके अंदर डालेंगे, मैंने पहले ही बता दिया इसको किसमें डालेंगे, होस्ट सेल में डाला जाता है। होस्ट सेल कौन, ई कोलाई, यीस्ट इत्यादि, इसे होस्ट सेल में डाला जाता है, और जहां पर होस्ट सेल में जाकर मल्टीपल कॉपीज बनेगी किसकी, उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की, जो मेरा वांछित डीएनए था, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जो जीन जो था, जो कि वांछित डीएनए था, उसकी खूब सारी प्रतियां बन जाएगी किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर। और इस प्रक्रिया को, संपूर्ण प्रक्रिया को जीन क्लोनीकरण या जिसको कि हम जीन क्लोनिंग के नाम से भी जानते हैं, इसलिए तो मैंने लिखा है द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई मल्टीपल कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन इकोलाई। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कौन है यहां पर, वांछित डीएनए, राइट, और इकोलाई क्या है, होस्ट सेल, राइट। तो क्या हुआ, द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन इकोलाई वाज कॉल्ड एज क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन इकोलाई। मतलब इकोलाई के अंदर, राइट, इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जिसको कि कौन लेकर आया है, वाहक डीएनए कौन है यहां पर, प्लाज्मिड डीएनए जो लेकर आया है, राइट। अब इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की होस्ट सेल यानी कि इकोलाई में खूब सारी क्या बन जाएगी, कॉपियां बन जाएगी, और इसे ही तो हम क्या कह देते हैं, जीन क्लोनिंग कह देते हैं। ओके, तो हमने आज की क्लास में एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा जेनेटिक इंजीनियरिंग का, और ये बताने की कोशिश की कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो सबसे महत्वपूर्ण जो तकनीक होती है, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं, आरडीएनए तकनीक। अच्छा, याद रखना एक चीज, यहां पर लिख देता हूं मैं, ये जो अपना आरडीएनए होता है ना, ये दो डीएनए के जोड़ से बना है ना, तो इसे ही हम काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, काइमेरिक डीएनए। तो कभी आपके सामने ये नाम आए काइमेरिक डीएनए तो कंफ्यूजन मत करना, आरडीएनए को ही काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को अब डिस्कस करूंगा, और साथ के साथ जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जो टूल्स यूज होते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप नोट्स को मेंटेन कर पाए।